हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को ढाई तावी परी बनाना सिखा रहा हूँ और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन पेपर, नंबर टू सीज़र, नंबर थ्री ग्लू, नंबर फोर थ्रेड यानी कि धागा, नंबर फाइव नाइफ। नंबर सिक्स स्टिक्स। चलें करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइज, अब हम पेपर में जोड़ डालेंगे। दो पेपर मैंने पहले से काट के रखे हुए, हाफ करके रखे हैं। एक इस साइड पे लगाऊंगा और एक दूसरी साइड पर। जैसा कि आप मैं लगा रहा हूँ आप देखें। सो व्यूअर्स, कुछ इस तरीके से आपने ग्लू लगानी है और पेपर को ऊपर रख कर जोड़ देना है। ज़्यादा बड़े जोड़ नहीं डालने, छोटे छोटे जोड़ डालने हैं कि खूबसूरती आए, गुड्डे पर बुरे ना लगें। एक साइड हमारी जुड़ गई है, अब दूसरी साइड पर जोड़ लगा लेते हैं। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि गुड्डा किस तरह का है। और सो गाइस, ये ढाई तावी परी बना रहा हूँ मैं, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। सो गाइस, दोनों साइडें हमारी जुड़ गई थी। जो नीचे से जो हमारा थोड़ा सा पीस रह गया था, उधर मैं रेड कलर का पेपर लगा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो गाइस, अब हम शेप काट लेते हैं अपनी परी की। सो गाइस, शेप हमारी कट गई है गुड्डे की यानी कि परी की। सो गाइस, अब इस साइड पर आपने दो कट लगाने हैं। जैसा कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं यहाँ हमेशा कट लगाता हूँ, दो कट यहाँ लगाता हूँ, क्योंकि जो हमारी गोल तीला है वो आसानी से जुड़ जाता है। सो गाइस, शेप रेडी है इस टाइम। अब हम इसके ऊपर तीले लगाते हैं। सो गाइस, सेंटर तीले पर आपने ग्लू लगानी है और गुड्डे के ऊपर चिपका देना है। जैसे मैं चिपकाऊंगा उसी तरीके से आपने चिपकाना है। अब देखें, अब सो गाइस, पीछे वाली साइड से भी आपने हाथ फेर देना है कि जो तिनका है वो पक्की तरह चिपका रहे। सो गाइज, अब आप लोगों ने इसके ऊपर चेपियाँ लगा लेनी है। जैसा कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं एक सेंटर में और एक नीचे और एक ऊपर चेपी लगाता हूँ पेपर की, खुद काट कर। वो आपने लगा लेनी है। ये इसलिए लगाते हैं कि जो गुड्डे पर हमने तीला लगाया, सेंटर तीला, वो अच्छे तरीके से चिपक जाता है। सो गाइज, चेपियाँ हमारी लग गई हैं। अब हम अपना गोल तीला लगा लेते हैं। सो गाइस, जहाँ आपने कट लगाया था वहाँ आपने थोड़ी ग्लू लगाकर तिनके को ऊपर रख कर आपने फोल्ड कर देना, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आप देखें। सो गाइस, दूसरी साइड पर भी आपने वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। सो गाइस, हमारा गोल तीला लग गया। अब हम गोल तीले के साइडों पर भी चेपियाँ लगा लेते हैं। ये भी उसी तरीके से ही
जैसे हमने सेंटर तिले पर लगाई थी। सो गाइस ये भी वही मदद करती है, जैसे कि सेंटर तिला नहीं उखड़ता, इसी तरह गोल तिला भी नहीं इससे उखड़ता, चिपका रहता है। सो गाइस अब हम इसके चारों तरफ इर्द गिर्द धागा लगा लेते हैं। सो गाइस हमारा धागा लग गया। अब हमने जो कट लगाया था उधर हमने ग्लू लगाकर धागे को अंदर फंसा कर ऊपर जोड़ देना, जैसा कि मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। सो गाइस दूसरी साइड पर भी वैसे ही करना है जैसे पहले किया, जो कट लगाया था उधर ग्लू लगाकर धागा अंदर डालकर ऊपर उसको फोल्ड कर देना। सो गाइस अब साइडों से पेपर फोल्ड कर लेते हैं धागे के ऊपर, यानी कि धागा अंदर पैक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइस गुड्डे के चारों तरफ आपने इसी तरह पेपर को ग्लू लगाकर धागे के इर्द गिर्द फोल्ड कर देना, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपने करना है। आसानी से आप घर में गुड्डा बना सकते हैं, इजीली, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सो गाइस ऊपर वाली साइड पर भी वैसे ही आपने करना है, सिर्फ धागे को ऊपर रखना है। सो गाइस ढाई तावी परी है ये, गुड्डा नहीं मैं इस दफ़ा बनाऊंगा, परी बनाऊंगा। मैंने कहा चलो अपने फैंस को व्यूवर्स को कुछ नया करके दिखाते हैं। सो गाइस ये दो ओखली परी है, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया। सो गाइस अब हमारा धागा लग गया बिल्कुल, गुड्डा रेडी है इस टाइम। सो गाइस अब दो चेपियाँ रह गई हैं, वो जहाँ हमने जोड़ लगाया था उधर एक लगा लेते हैं। सो गाइस दूसरी साइड पर भी जहाँ हमने जोड़ लगाया था उधर लगा देने। सो गाइस गुड्डा हमारा रेडी है इस टाइम, अब कुछ डिज़ाइन करते हैं। सो गाइस ये मैंने नोक काट के रखी हुई थी, इसको अब हम गुड्डे के लगाते हैं, यानी कि परी के लगाते हैं। मेरे मुंह पे गुड्डा ही चढ़ा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं। सो गाइस नोक मैंने कुछ बड़ी काटी थी, ये इसलिए काटी थी कि परे के ऊपर प्यारी लगती है नोक बड़ी वाली, और कुछ इसका डिज़ाइन भी कुछ इस तरीके का है, नोक बड़ी लगनी थी इसके ऊपर। आप जैसी मर्जी लगा लें, छोटी लगा लें, बड़ी लगा लें, कोई मसला नहीं, खूबसूरती आ जाती है लेकिन गुड्डे में। सो गाइस नोक लग गई है। सो गाइस मैंने आंखें भी काट के रखी हुई थी, अब इसको भी लगा लेते हैं। सो गाइस आंखें भी मैंने बड़ी बड़ी काटी हैं कि जो हमारा परा वो प्यारा लगे, खूबसूरती आ जाती है। पेपर भी जर्मन पेपर है। सो गाइस एक आंख लग गई है, अब दूसरी आंख भी लगा लेते हैं। सो गाइस पूरी आंख और आंख के ऊपर आपने ग्लू नहीं लगानी, सिर्फ साइडों पर लगानी है ब्रेक ब्रेक, और थोड़ी सी सेंटर में लगा लेनी है कि अच्छे तरीके से आपका जो आंख है वो अच्छी तरह चिपक जाए। पूरा लेवल करके लगाना होता है इसको।
सो गाइस परा हमारा इस टाइम रेडी है, सिर्फ परे की दुम रह गई है यानी कि टेल रह गई है, वो अब मैं लगा रहा हूँ, गिरा लगा रहा हूँ या धागे की। सो गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो गाइस अगर आप और भी ऐसी अच्छी अच्छी लेटेस्ट वीडियो देखना चाह रहे हैं नीचे कमेंट करें। सो गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।